खोया बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी डाला है पहले। इससे क्या होता है कि जो दूध है वो नीचे लगता नहीं है। अब ये मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। गैस ऑन कर देते हैं, बस अभी बॉयल आने देते हैं। दूध अच्छे से उबलना शुरू हो गया है। अगर हम गैस तेज रखेंगे तो हमें इसको कॉन्स्टेंटली हिलाना है। देखिए खूब अच्छे से दूध उबल रहा है। अगर हम बीच बीच में स्लो भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि बहुत ऊपर आ रहा है दूध, तो आप गैस को स्लो कर सकते हैं। बट गैस को स्लो और तेज़ करते रहिए कि दूध अच्छे से थिक, जल्दी थिक हो जाए। काफ़ी थिक हो गया है दूध, तो अब हम इसको कॉन्स्टेंट हिलाते रहेंगे। अब ये साइड्स पे जमता है, जो इसको उतारते रहें कि साइड पे ना जमे। बस इसको और थोड़ा सा और थिक करेंगे। अभी थोड़ा सा और हम इसको चलाएंगे और थिक करेंगे। अभी काफ़ी थिक हो गया। बट आप खोया बनाते हुए नीचे गैस की फ्लेम का बहुत ध्यान रखें। जब आपको लगता है कि गैस कम हो गया तो आप उसको तेज़ कर सकते हैं। जब लगे कि बहुत तेज़ हो गया है तो आप उसको स्लो करें। थोड़ा तो फ्लेम का ध्यान रखें, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ये देखिए बस अब ये, और सिर्फ 2 मिनट में मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि फिर ठंडा होके भी ये थिक हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल तैयार है खोया। आपको इसी कंसिस्टेंसी पे बंद करना है, क्योंकि अभी ये ठंडा होगा तो थोड़ा और थिक हो जाएगा। देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको सिर्फ दूध को ही हमने गाढ़ा किया है और आपके पास प्योर खोया तैयार है। ये देखिए खोया बिल्कुल तैयार है। ये मैंने 1 लीटर दूध का बनाया है और इसका अप्रॉक्सीमेट वेट 250 ग्राम है।